शिक्षक और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ते को शिक्षक ने किया तार तार। कई महीनों से नाबालिग शिष्या के साथ कर रहा था दुराचार। लगातार पेट दर्द और घर समय से न पहुंचने पर परिजनों ने किशोरी से की पूछताछ। पूछताछ के दौरान किशोरी ने खोले राज। आरोपी शिक्षक के खिलाफ हुई FIR। पूरा मामला मणिपुर कोतवाली क्षेत्र का है। नाबालिग छात्रा के साथ हुए बलात्कार केस में एक्टिव मोड में जाँच टीम के द्वारा की जा रही है। CO राजपुर की अगुवाई में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची मणिपुर क्राइम स्पॉट। पीड़ित लड़की और परिजनों सहित कॉलेज स्टाफ से की जा रही है गहन पूछताछ। गहनता से हो रही है जांच। पीड़ित परिवार ने उच्चाधिकारियों से लगाई सुरक्षा की गुहार। जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया उनका नाम है इशाक खान, मोहिन खान और आदित्य और प्रिंसिपल सर जिनका नाम राकेश है। ब्लैक दरोगा जी आए थे सबसे, इन्होंने हमारी बात पलटवा दी गई थी। इस मामले को लेकर आए थे यहाँ? आया था, मेरी बच्ची आधा संध्याकालीन पढ़ती थी तो बताई कि कुछ अध्यापक जो हैं और अभी अभी तो एक अध्यापक नाम लिए इशाद खान, ये बुलाता था और उसके साथ गलत करता था, ठीक है। इसके बाद उसका वीडियो बनाया था कि अगर मैं ये चीज़ किसी को बताई माता पिता से तो मैं तेरा नाम कटवा काट दूंगा और इसके बाद यहाँ से कहीं तुम्हारा नाम लिख नहीं जाएगा। तो मैं यही करने रिपोर्ट करने आया हूँ। तो FIR हो गई? FIR यहाँ लिखा ली है, एप्लीकेशन है, FIR हो गई। तो कितने दिन से लगातार ऐसे हो रहा था? अब ये बच्ची तो बताई कि 4-5 महीने से। तो पहले इन्होंने दूसरे नाम बताया, तब नाम घटा दिए कैसे, क्या कुछ दबाव वगैरह? नहीं नहीं, तो वो जो था इसका टीचर वो इसको कहा था ऐसा ऐसा इनका इनका नाम ले लेना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उसके कहने पर ठीक। जनपद चित्रकूट के मानिकपुर कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई को एक पीड़िता द्वारा अपने साथ उसके विद्यालय के ही एक अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 77/23 अंडर सेक्शन 376 और पास्को एक्ट की संगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग के विवेचना के क्रम में उसकी निष्पक्षता वैज्ञानिक दृष्टि साक्ष्य संकलन को दृष्टिगत रखते हुए इस उक्त विवेचना क्राइम ब्रांच ट्रांसफर की गई है, जिसका पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के द्वारा किया जाएगा और इसमें एक महिला निरीक्षक और एक पुरुष निरीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो उक्त संपूर्ण घटनाक्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए तत्काल इसमें विधिक कार्रवाई संपादित करेगी।